सिनेमा जगत में हमेशा ही स्टार्स अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को लेकर लाइमलाइट में बने रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बात की जाए स्टार किड्स के बारे में, तो ऐसे कई स्टार किड्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमा लिया है। बॉलीवुड में ऐसे कम ही स्टार किड्स रहे हैं जो फिल्मों में अपने सुपरस्टार पेरेंट्स जैसा रुतबा पा चुके हैं और स्टारडम भी हासिल कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया भर में उनके नाम का डंका तो बजा लिया है और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी गर्व से ऊंचा किया है। भले ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं लेकिन बिजनेस के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो वहीं अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को लेकर भी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसी बीच हम एक और ऐसे स्टार किड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है राहुल खन्ना। सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं राहुल खन्ना। बेशक इन्होंने फिल्मों में कम ही काम किया है लेकिन दुनिया भर में अपने नाम को लेकर काफ़ी चर्चा बटोर ली है। जी हाँ, अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को लेकर जाने जाते हैं राहुल खन्ना। राहुल खन्ना जाने माने ब्लॉगर हैं और हर तरफ उनके लेखन की काफ़ी चर्चा भी होती है। बता दें आपको, ब्लॉग के साथ साथ राहुल खन्ना कई इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भी लिखते हैं जिनमें शामिल हैं वोग, मैरी क्लेयर और हार्पर बाजार जैसी मैगजीन। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए यहाँ पर राहुल खन्ना के बारे में, तो राहुल खन्ना ने हमेशा से ही खुद को भीड़ से काफ़ी अलग रखने की कोशिश की है। वो हमेशा से ही अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते थे। वहीं उन्होंने बॉलीवुड में ज़्यादा फिल्में नहीं की। 90 के दशक में जब स्टार्स की नई पीढ़ी हिंदी फिल्मों तक ही सीमित थी, तब उसी दौरान राहुल खन्ना पहले ऐसे स्टार के तौर पर उभरे थे जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म में काम किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहुल खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी साल 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 1947 अर्थ से। इस फिल्म में राहुल खन्ना की दमदार एक्टिंग और पर्सनैलिटी का जादू सभी जगह छा गया था और उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। वहीं आपको बता दें कि राहुल ने इसके बाद कई और फिल्में भी की जिसमें शामिल हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, ऐलान, रकीब और रणवीर कपूर स्टारर जैसी फिल्म वेकअप सिड। लेकिन राहुल खन्ना को किसी और ही चीज़ की तलाश थी। उन्होंने फिल्मों की दुनिया से दूर एक अलग ही नाम कमा लिया। दरअसल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में वो कभी नहीं आना चाहते थे लेकिन कला को सीखने की ललक उन्हें यहाँ पर खींच लाई थी। राहुल खन्ना सिर्फ अपने लेखन के लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि अपने लाइफस्टाइल, फैशन सेंस के लिए भी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। अगर फीमेल फैन फॉलोइंग में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग राहुल खन्ना की है। सोशल मीडिया पर उनके तमाम अकाउंट फीमेल फैंस के कॉमेंट से भरे पड़े रहते हैं। राहुल खन्ना भी इस अटेंशन को काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर राहुल खन्ना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं फैंस। भले ही राहुल खन्ना इंडस्ट्री से दूर रहे हों लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में देखा जाए तो राहुल खन्ना को इंटरनेट का बॉयफ्रेंड जैसे नाम से भी जानते हैं। चंद सालों के अंदर राहुल खन्ना ने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि उनके आगे कई बड़े स्टार्स भी फेल हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए राहुल खन्ना की नेटवर्थ के बारे में, तो राहुल खन्ना करीब $8 मिलियन के मालिक हैं। जी हाँ, वहीं इन्होंने काफ़ी इनाम कमाया है असाइनमेंट्स, इंडोर्समेंट्स और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आपको कैसा लगा राहुल खन्ना के बारे में जानकर, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।